नमस्कार साथियों, गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले एक पाठ में हम लोग प्रतिशत की बात कर रहे थे और मैंने आपको कुछ उदाहरण बताए थे जिनमें प्रतिशत का उपयोग हो रहा था। प्रतिशत के अर्थ के बारे में भी हमने बात की थी। आज हम प्रतिशत का उपयोग करने के कुछ तरीके देखेंगे। वैसे प्रतिशत का उपयोग बहुत सारी जगहों पर होता है। आपने कुछ जगहें ऐसी ढूंढी या नहीं? चलिए हम एक सवाल लेते हैं कि प्रभा ने 110 रुपए की पुस्तकें खरीदी। कितने की? 110 रुपए की। तो प्रभा ने 110 रुपए की पुस्तक खरीदी और दुकानदार 10% की छूट दे रहा है ना? 10% की दुकानदार छूट दे रहा है, तो प्रभा दुकानदार को कितने रुपए देगी? इसका मतलब क्या है? पहले तो इस प्रश्न का मतलब समझिए। छूट 10% है, यानी 100 रुपए की चीजें खरीदने पर 10 रुपए की छूट मिल रही है। अब यहां प्रभा ने 110 रुपए की चीजें खरीदी हैं, किताबें खरीदी हैं, तो छूट कितनी मिलेगी? 110 का 10%, 110 रुपए का 10%, ये प्रभा को छूट मिलेगी। इसको हम यहां लिख लेते हैं। छूट का मान होगा 100, जितने रुपए का सामान खरीदा है उसका 10% दुकानदार छोड़ देगा, कम लेगा उतने रुपए। एक बार पहले हमारी बात हुई थी कि का मतलब होता है गुणा, तो 110 का 10% का मतलब होता है हर 100 में से, तो इसका मतलब हुआ इतना, है ना? और दोनों बातों का एक ही मतलब है, इसलिए हम ये चिन्ह लगा देते हैं। अब भिन्न का गुणा याद है ना आपको? तो यहां पर जो छूट आई 110 गुणित 10, ऊपर हमने किया 110 गुणित 10 और नीचे 100, तो ये जो मान आया, ये मान कितना आया? 110 का 10 से गुणा करने पर 1100, और इसको हमें 100 से भाग देना है, तो ये तो बड़ा आसान भाग है, 11 रुपए। इसका मान कितना आया? 11 रुपए। तो प्रभा को 110 रुपए पर 11 रुपए की छूट मिलेगी। बात समझ में आई? एक सवाल और देखते हैं। अपर्णा ने 600 नंबर के पेपर में कुल जो परीक्षा हुई उसमें 6 विषय थे, सभी पेपर 100-100 नंबर के थे, और उसने जितने नंबर पाए, अपर्णा ने जितने नंबर पाए उन सभी विषयों के नंबरों को जोड़ने पर आया 390। तो अब हमें ये पता लगाना है कि अपर्णा को कितने प्रतिशत नंबर मिले, है ना? हमें ये पता लगाना है कि अपर्णा को कितने प्रतिशत नंबर मिले।
तो भिन्न की बात तो आप जानते हैं, 600 में से 390 नंबर अपर्णा ने पाए हैं, तो ये तो हुआ उसका प्राप्तांक और पूर्णांक को भिन्न में लिखने का तरीका। और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, पिछले पाठ में मैंने आपको बताया था, 100/100 का गुणा करते हैं, है ना। तो गुणा कर दीजिए, कठिन है क्या गुणा। ध्यान रखिए कि इस वाले 100 को हमें छोड़ देना है, क्योंकि ये प्रतिशत के संकेत में बदल जाएगा बाद में, देखिए कैसे। तो पहले हमने इस 100 से 600 को भाग दे दिया समझ लीजिए, या हम कह सकते हैं कि इस 100 और इस 600 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 100 है। चलिए ऐसे में शायद आप कुछ गड़बड़ समझें, तो मैं इसको फिर से लिखता हूँ। फिर से कैसे लिखूँ, वैसे ही लिखूँगा, अब इस बार काटूँगा नहीं। 390/600, ये तो हुआ उसके प्राप्तांकों को लिखने का तरीका भिन्न के रूप में। अब इसको हम बदल रहे हैं प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100/100 का गुणा करेंगे, है ना। और हल करने के लिए क्या करें, अंश का अंश में गुणा कर सकते हैं, तो अंश का अंश में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39,000 और नीचे आ जाएगा 600, और नीचे हमने गुणा क्यों नहीं किया, नीचे वाले 100 को हम ऐसा लिख दे रहे हैं अभी, ये सिर्फ समझने के लिए है, है ना। तो जब इसको हम हल करेंगे तो इन दोनों, इस संख्या में 600 में 100 का भाग जाएगा या नहीं, और 39,000 में, 39,000 में भी 100 का भाग जाएगा और 600 में भी 100 का भाग जाएगा, मतलब महत्तम समापवर्तक, दोनों का महत्तम समापवर्तक हम निकाल रहे हैं। वैसे ये महत्तम समापवर्तक नहीं है, लेकिन अभी हमको ये तो दिख रहा है ना कि ये दोनों संख्याएं 100 से भाग चली जाएंगी, तो हम इसको 100 से भाग दे देते हैं। जब हम 100 से भाग देते हैं तो यहाँ पर भाग जाता है 6 बार और यहाँ पर भाग जाता है 390 बार। अब इन दोनों में 390 को 6 से भाग दे सकते हैं क्या, दे सकते हैं, तो 390 को हम 6 से भाग दे देते हैं, 6×36, 6×36 घटाने पर आया 3, शून्य को यहाँ ले आए, 6×5=30, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो इसका मान आया, 390 को जब हमने 6 से भाग दिया तो मान कितना आया, 65, है ना। तो अब हमारे पास बचा है 65 और 1/100। अब 1/100 का मतलब क्या है, प्रतिशत, तो ये हो गया 65%। अपर्णा को 65% नंबर मिले हैं, ठीक है ना। तो पहले में हमने पता लगाया, पहले प्रश्न में हमने पता लगाया कि 110 रुपये का 10% कितना है, और इसका उत्तर हमें मिला था 11 रुपये, है ना। 110 का 10% कैसे निकाला, ये पूरा तरीका आपके सामने मैंने हल किया, तो आपको ये समझ में आया होगा। और इस प्रश्न में हमने पता लगाया कि 390 600 का कितना
है। 390 600 का कितना है? और इसका उत्तर आया 65%, है ना। तो अभी हम दो सवाल जो देख चुके हैं, उन दोनों सवालों में क्या बात आई? एक में हमने ये पता लगाया कि 110 का 10% कितना है, 110 का 10% कितना है, ये हमने पता लगाया, ये प्रश्न था। और दूसरे प्रश्न में हमने पता लगाया कि 390 600 का कितना प्रतिशत है, है ना, 600 का कितना प्रतिशत है। तो ये दोनों तरह के काम हमें कई बार करने पड़ते हैं, है ना। इस दोनों तरह के प्रश्नों को हल करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम एक सवाल और लेते हैं। एक गांव है, गांव से थोड़ा बड़ा है और शहर से थोड़ा छोटा है, वहां पर कुल 12,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 12,000 लोग रहते हैं, गांव की जनसंख्या 12,000 है। अब इस 12,000 में से 40% जो हैं वो पुरुष हैं। गांव में 40% पुरुष हैं, 38% महिला हैं। 38% क्या हैं? महिला हैं। और 22% बच्चे हैं। तो हमको पता लगाना है कि तीनों मिलाकर, तीनों कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं। तो इस प्रश्न को हम समझते हैं कि ये प्रश्न भी तो आखिर पहले प्रश्न जैसा ही तो है। पुरुषों की संख्या क्या होगी? पुरुष पूरे जनसंख्या के 40% हैं, तो पुरुषों की संख्या हुई 12,000 का 40%। तो ये तो वही सवाल है ना जैसा हमने यहाँ पर देखा था। कौन से सवाल में? यहाँ देखा था। कहाँ पर देखा था? यहाँ पर 110 का 10%। तो ये तरीका याद है ना आपको, यही तो यहाँ पर करना है, 12,000 का 40%। तो क्या करें, 12,000 और का मतलब है गुणा, 40 और प्रतिशत के लिए हमने लिखा बटे 100। अब इसको हल कर दीजिए, है ना, इसको हल कर दीजिए। अब हल करने के दो तीन तरीके आपको मालूम है, आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं। हम पहले गुणा कर देते हैं, तो 12,000 का 40 से गुणा करने पर हमको मिला 480,000। और इस 480,000 को जब हम 100 से भाग देते हैं, तो 100 से भाग देने पर ये आखिरी के दो शून्य गायब हो जाएंगे, तो कितना बचा? 4,800। यानी 12,000 की कुल जनसंख्या में 4,800 पुरुष हैं। और महिलाएं कितनी हैं? इसी तरीके से आगे पता लगा लेते हैं। महिलाओं की संख्या है 12,000 का कितना प्रतिशत? 38%, है ना, 12,000 का 38%। तो फिर वैसा ही करना है हमें, 12,000 का 38 और ये हो गया प्रतिशत। अब देखिए, सरल तरीके से करने के लिए हम ये दोनों शून्य और ये दोनों शून्य काट देते हैं। मतलब क्या है इसका?
कि हमने 100 से भाग दिया, तो 100 से जब भाग देंगे तो 100 एकम 100, एक बचेगा, वो लिखा हुआ है। और यहाँ जब 100 से भाग देंगे, आप चाहें तो भाग दे के देख सकते हैं, ऐसा ही होता है। तो क्या बचा? 120 गुणित 38, 120 बचा है और 38 बचा है, इसका आप गुणा कर दीजिए, बस आपको उत्तर मिल जाएगा। 38 का पहाड़ा शून्य बार पढ़ा, मिला शून्य, फिर 38 दूनी 76, 38 एकम 38 और हासिल का 7, तो महिलाओं की संख्या हुई 4560। बात समझ में आ गई ना? अब ऐसे ही हम बच्चों की संख्या निकाल लेते हैं। बच्चे कितने हैं? बच्चे हैं 12000 का 22%, तो बच्चों की संख्या हुई 12000 का 22%। तो ये मान कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, 12000 का 22%। फिर एक बार वही काम कि ये जो दो शून्य थे, इनको इन दो शून्यों से काट दिया, काट नहीं दिया, भाग दे दिया, 100 का भाग दिया है ना, तो 100 एकम 100 और यहाँ पर 120 आया, तो संख्या हमें मिली 120 गुणित 22। तो यहाँ पर हमारा उत्तर आता है, 22 का पहाड़ा पढ़िए, 22 शून्य 0, 22 दूनी 44 और 22 एकम 22 और 4 26, तो वहाँ पर 2640 बच्चे हैं, है ना। तो एक बार हम उत्तर की जांच कर लेते हैं। पुरुषों की संख्या आई है 4800, कुल कितने लोग थे? 12000, पुरुष हैं 4800, महिलाएं हैं 4560 और बच्चे हैं 2640, इन तीनों को आप जोड़ लीजिए, 12000 आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा उत्तर सही है, ठीक है ना। तो ये जो पूरा तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया, इसमें हम मुख्य रूप से इस तरह के दो प्रकार के सवालों को हल कर रहे हैं, एक तो ये और दूसरा ये। इस तरह का और उदाहरण आप सोच सकते हैं, पहले तरह के भी और उदाहरण आप सोच सकते हैं। जैसे चलिए मैं आपको दूसरे तरह का बताता हूँ एक प्रश्न और। एक स्कूल है, वहाँ पर 15 अगस्त के दिन 200 लड्डू लाए गए बच्चों में बांटने के लिए। मुंह में पानी आ गया क्या? 200 लड्डू लाए गए। अब इसमें से 180 लड्डू बट गए, तो बचे कितने? 20 लड्डू। अब हमको बताना है कि कितने प्रतिशत लड्डू बचे हैं, है ना। तो प्रतिशत में बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हमें किस का प्रतिशत किस से निकालना है। 20 लड्डू जो बचे हैं वो कितने में से बचे हैं? 200 में से, है ना। तो भिन्न के रूप में बचे हुए लड्डुओं की संख्या हुई 20/200। और इसको यदि प्रतिशत में बदलना हो तो हम 100/100 का गुणा करेंगे, है ना। तो एक बार फिर हमने इस 100 से भाग दिया, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2 और 2 दहम 20। अब 10 से 100 को भाग दे दीजिए, नहीं, भाग देने की क्या जरूरत है। अब जो बचा है
वो क्या है? 10 गुणित 1/100, यानी 10 1/100 का मतलब प्रतिशत। तो 10% लड्डू बचे। अब यहीं पर हम आपसे ये भी पूछ सकते थे कि 200 लड्डू लाए गए थे और उस 200 लड्डू में से कितने लड्डू बांट दिए गए? 180 लड्डू बांट दिए गए। तो बांटे हुए लड्डू का प्रतिशत कितना है? बांटे हुए लड्डुओं का प्रतिशत कितना है? अब बांटे गए लड्डुओं को भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 200 में से 180 लड्डू बांट दिए गए हैं, तो प्रतिशत क्या हुआ? प्रतिशत के लिए हम इसको 100/100 से भाग दे देते हैं, गुणा कर देते हैं। कैसे करें? अरे वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया है। ये 100 के 2 शून्य इस 100 के 2 शून्य से कट गए। अब आपको 180 को 2 से भाग देना है, तो 180 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 90 और गुणित 1/100। तो इस 1/100 को हम लिख सकते हैं प्रतिशत। तो 90% लड्डू बंट गए और बचे कितने? 10% लड्डू बचे। ठीक है ना? तो ये जो बातें थीं, इसमें आपने एक बात पर ध्यान दिया, हमने जितने उदाहरण देखे उन सभी उदाहरणों में, यहाँ पहले प्रश्न में हमने 110 का 10% पता किया था, दूसरे प्रश्न में हमने पता किया कि 390 600 का कितना है, कितना प्रतिशत है, फिर तीसरे प्रश्न में हमने पुरुषों की संख्या जो 40% थी, तो दूसरे शब्दों में हम कहें तो हमने 12,000 का 40% निकाला, ये इसका मान पता किया। इसके बाद हमने 12,000 का 38% पता लगाया, जो इतना आया। इसके बाद हमने 12,000 का 22% पता लगाया, जो आया 2,640। इसके बाद वाले प्रश्न में हमने क्या किया था कि 20 जो बचे हुए लड्डू थे वो 200 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर उत्तर हमारे सामने है। और फिर हमने पता लगाया कि जो बचे हुए बटे हुए लड्डू थे, जो बांटे गए लड्डू थे 180, वो 200 का कितना प्रतिशत है, है ना? तो दोनों प्रकार के सवाल मैंने आपको बता दिए। तो इस तरह के सवालों को हल करने का तरीका आपकी समझ में आया होगा। अब आपको करने हैं कुछ अभ्यास। तो अभ्यास के प्रश्न अब मैं आपके सामने लाता हूँ और इन प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। लेकिन फिर एक बात, क्या इन 4 सवालों से अभ्यास पूरा हो जाएगा? नहीं ना। तो प्रतिशत में बदलने के कई उदाहरण आप अपने आसपास देख सकते हैं। हर प्रश्न को प्रतिशत के रूप में इबारती प्रश्न में बदलिए, है ना? उसके बाद आपको उसको प्रतिशत में बदल के देखिए। जब ऐसे बहुत सारे अभ्यास आप करेंगे तो आपको प्रतिशत की बात अच्छे से समझ में आएगी। एक काम आप ये भी कर सकते हैं कि एक प्रश्न आप बनाएं और अपने किसी दोस्त से हल करने को कहें, और आपका दोस्त कोई सवाल बनाए उसको आप हल करें। तो इस तरह से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। पहले प्रश्न में आपको 300 रुपये का 40% पता लगाना है। ऐसा काम हमने पहले प्रश्न में किया था, 110 का 10% निकाला था। ऐसा ही दूसरा है, 500 का 25% आपको निकालना है। तीसरे प्रश्न में भी आपको 480 का 15% निकालना है। और चौथे प्रश्न में आपको पता लगाना है कि 2460 का कितना प्रतिशत है, है ना? लड़के कितने हैं? 24। कितने में से?
60 में से, तो प्रतिशत में बताना है आपको, है ना। ये बहुत अच्छा प्रश्न है चौथा। ये प्रश्न जिसने बना लिया मतलब उसको प्रतिशत की बात समझ में आ रही है। तो ऐसे जितने सवाल आप बना सकते हैं आप बनाने की कोशिश कीजिए। केवल 4 प्रश्नों से आपका अभ्यास पूरा नहीं होता, है ना। तो इसलिए आप जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना आपको प्रतिशत की बात समझ में आएगी। हर प्रश्न तो आपको मैं बता नहीं सकता। अब एक बात और, चलते चलते हम एक बात और कर लेते हैं। ये प्रश्न आपने लिख लिए होंगे। पहले हम अनुपात के बारे में भी पढ़ चुके हैं और अनुपात में भी हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं, और हमने बात की थी कि हम अनुपात को भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, और अभी पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि हम प्रतिशत को भिन्न के रूप में बदल सकते हैं या भिन्न को प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं। तो अनुपात को भी हम प्रतिशत के रूप में बदल सकते हैं, है ना। लेकिन अनुपात भिन्न का ही एक रूप है, इसलिए इसको बदलने का तरीका मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, कि बता दूँ। चलिए बता देता हूँ एक प्रश्न, फिर आपको अनुपात के भी अभ्यास करने हैं, इसके प्रश्न मैं आपको नहीं दूंगा। अनुपात है 1/5 और इसको हमें बदलना है प्रतिशत में, बस। तो यही तरीका तो अभी हमने किया था ना, किया था या नहीं। तो 5 से 100 को भाग दे दीजिए। इस वाले 100 को तो हम ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं ना, क्योंकि ये प्रतिशत का चिन्ह हो जाता है बाद में। तो अब बचा क्या क्या, 100 और 5। इसको हम अगली लाइन में ऐसा भी लिख सकते हैं, कैसा, 100/5 और गुणित 1/100। 100 को 5 से भाग दीजिए, कितना आएगा। तो इसी बात का मतलब हो गया, 100 को 5 से भाग दिया 20 और गुणित 1/100, तो ये बात हो गई 20%। तो अनुपात को प्रतिशत में बदलने, 1/5 का मतलब, पहले इस प्रश्न की बात पूरी हो जाए, 1/5 का मतलब है 20%। तो अनुपात को भी भिन्न में, भिन्न के रूप में लिखकर आप प्रतिशत में बदल सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए इसका उदाहरण मैं आपको एक ही उदाहरण दे रहा हूँ। आपने अनुपात में जितने प्रश्न बनाए थे उन सब को आप प्रतिशत में बदलने का अभ्यास कर सकते हैं, है ना। ये तो आपकी रुचि पर बात है कि आप जितनी रुचि लेंगे उतने प्रश्न आप बनाकर हल कर सकते हैं। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया इसका भी उपयोग करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो अगली कक्षा में हम किसी और विषय को लेकर फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।